और यह रोचक कथा शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की है जो अपने ही भाई से विवाह करना चाहती थी। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो भी राक्षस मर जाते थे शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई, क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन जाएं और मृत संजीवनी विद्या को सीखने का प्रयास करें। बृहस्पति यह जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वह किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर सके तो संभवतः ही यह काम आसान हो जाएगा। कच्छ जाकर शुक्राचार्य के शिष्य बन गए। कच्छ एक तेजस्वी युवक थे। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह पता चल गया कि देवता गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी साबित हो सकता है, अतः वे चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। और एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हार कर उन्होंने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में आकर उन्होंने पुनः कच्छ को जीवित कर दिया। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को तो रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने एक चाल चली कि राक्षसों ने कच्छ को मार कर उसके शरीर को जला कर उसकी राख को पेय पदार्थ में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो जान छूटी। लेकिन जब देवयानी ने कच्छ को कहीं नहीं पाया तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वे कच्छ का पता लगाएं। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद के पेट से ही कच्छ की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वह कच्छ को जीवित करते हैं तो वह स्वयं मर जाएंगे, अतः उन्होंने इसका एक उपाय निकाला और उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य के पेट को फाड़ कर बाहर निकल गए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर अपने शिष्य होने का धर्म निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो पूरा हो चुका, अब तो वह वापस देवलोक जाएगा कि क्योंकि वह शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और आक्रोश में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वे कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेंगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहकर कच्छ देवलोक को लौट गए और देवयानी अपने कार्य में लग गई। इसके